स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना। तो इस फलन को, ये जो दिया गया फलन है, इस फलन के समाकल के लिए, समाकलन, समाकल ज्ञात करने या समाकलन के लिए ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करेंगे या उसके बाद उस रूप में परिवर्तित करने के बाद आगे उसका समाकलन करेंगे। तो माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है। हम यह कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो इकाई हो, तो इसका मतलब ये कि वर्गमूल ए को हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल ए को जब आप उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और फिर इंटीग्रेशन साइन डी एक्स। अब वर्गमूल के अंदर ये जो राशि दिखाई दे रही है इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करना है, अर्थात कुछ इस तरीके से। देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, तो ये 2a हो गया और ये फिर b बाई ए और 1 बाई टू, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, आपको मिल जाएगा b बाई ए इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये कि यदि a है ये, तो ये 1 बाई टू जो होगा ये b होगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू बी अपॉन ए इंटू वन बाई टू। अब देखिए ये टू और टू कैंसिल हो गया, आ गया बी बी एक्स अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए। अब यदि ये ए है तो इसके बाद जो पद है अर्थात बी बाई टू ए, ये बी के बराबर होगा या बी स्क्वायर। अगला पद हमें क्या चाहिए होगा, बी बाई टू ए का स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे तो इसको हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, c बाई ए लिखने के बाद में हम b बाई टू ए के स्क्वायर को घटा देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है, अर्थात ये वर्गमूल a हो गया और फिर ये वर्गमूल के अंदर में x प्लस b बाई टू ए का स्क्वायर है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली 4a स्क्वायर, ये सब वर्गमूल के अंदर ही है, 4a स्क्वायर इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा और अंश में आपको मिल जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर और फिर ये dx। माना कि ये समीकरण एक है। अब इसमें दो अलग अलग स्थितियां हो सकती है, इसमें देखते हैं स्थिति प्रथम को। यदि 4ac माइनस बी इस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात अंश में यहाँ पर जो राशि दिखाई दे रही है ये धनात्मक हो और a इज ग्रेटर देन जीरो अर्थात a भी धनात्मक हो, तब 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ये आपको धनात्मक मिलेगा। तो इसलिए लिखेंगे I इक्वल टू स्क्वायर रूट a फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर और ये अपॉन 2a, इसका हम स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू dx। अब प्रतिस्थापन को उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू कैपिटल x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा d स्मॉल x इक्वल टू d कैपिटल x, तथा
ये जो राशि है स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू, इसको हम कैपिटल के लेकर के चलेंगे, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा i इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर या फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी कैपिटल एक्स। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर रहे हैं, एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू एक्स लिखा, और यहाँ पर ये जो राशि दिखा रही है वर्गमूल के अंदर में है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू के माना। अब इस यहाँ पर ये जो हमें राशि प्राप्त हो रही है इसका आगे हम समाकलन करेंगे, तो इस जो दिया गया फलन हमें यहाँ पर जो फलन प्राप्त हो रहा है इसका समाकलन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ए, ये है फिर 1/2 इंटू कैपिटल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल के स्क्वायर प्लस कैपिटल के स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कैपिटल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आगे ये स्क्वायर रूट ए बाई टू, फिर कैपिटल एक्स के स्थान पर हम ये मान रख देंगे एक्स प्लस बी बाई टू ए अपॉन एक्स प्लस बी बाई टू ए इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4a स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाली राशि है प्लस k स्क्वायर था, फिर से ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ कैपिटल एक्स अर्थात एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस स्क्वायर रूट ओवर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल के स्क्वायर अर्थात ये वाला पद एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसे आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट ए अपॉन 2 और 2ax प्लस बी अपॉन 2a इंटू स्क्वायर रूट ओवर, इसको सरल करेंगे तो फिर से मिल जाएगा 2ax प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस फिर से ये वर्गमूल के अंदर में ही है और हर ये दोनों का हर समान हो जाएगा, तो काम करते हैं दोनों का हर को समान कर देते हैं और फिर ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद में प्लस साइन और फिर ये वाली राशि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और फिर इसके साथ में लॉग वाला पद इनटू लॉग ऑफ 2ax प्लस बी, यहाँ पर भी 2a है और इसको सरल करने पर भी आपको 2a मिलेगा, तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त अर्थात हर को समान कर देते हैं, ये मिल जाएगा 2a और फिर प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2ax प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब इसे और आगे सरल करते हैं, रूट ए अपॉन 2, यहाँ से देखिए ये 4a स्क्वायर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से यदि वर्गमूल से 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा 2a, तो 2a और 2a 4a, तो 4a स्क्वायर, ये a यहाँ से a और यहाँ से a, तो 4a स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 2ax प्लस बी और फिर ये इनटू में है 2
इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ में मल्टीप्लाई है आगे लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस लॉग ऑफ टू ए। तो लॉग ऑफ टू ए जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम छोड़ देंगे या समाकल स्थिरांक लॉग ऑफ टू ए को छोड़ने पर। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन एट ए का पावर थ्री बाई टू इंटू टू रूट ए ये वाला पद और फिर टू ए एक्स प्लस बी फिर ये वाला पद स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ टू ए एक्स प्लस बी प्लस टू स्क्वायर रूट ओ स्क्वायर रूट ए और फिर स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि स्थिति वन में हमें मिली थी। अब आगे समीकरण एक में दूसरी स्थिति को लेकर के चलेंगे और आगे हम सरल करेंगे। स्थिति दो, अब दूसरी स्थिति यह है कि यदि 4ac माइनस बी स्क्वायर इस लेस देन जीरो अर्थात यह ऋणात्मक संख्या है और a धनात्मक संख्या है तब आपको ये जो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है यह आपको ऋणात्मक मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि यह ऋणात्मक होगा। तो इसलिए i इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर रूट ए फिर इंटीग्रेशन साइन फिर स्क्वायर रूट के अंदर में है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इसका स्क्वायर dx। यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे माना x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू कैपिटल x। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dx इक्वल टू डी कैपिटल x तथा ये वर्गमूल के अंदर में ये दूसरा वर्गमूल वाली राशि है उसे हम k मान करके चलेंगे कैपिटल k। तो कैपिटल k इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा i इक्वल टू स्क्वायर रूट a फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर k स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी कैपिटल एक्स। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा रूट ए बाई टू देन कैपिटल एक्स फिर स्क्वायर रूट ओवर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल के माइनस के स्क्वायर लॉग कैपिटल एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस साइन है जाएगा माइनस के स्क्वायर। अब एक्चुअल जो मान है वो हम रख देते हैं स्क्वायर रूट ए अपॉन टू फिर एक्स एक्स के स्थान पर है एक्स प्लस बी बाई टू ए फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और के स्क्वायर अर्थात आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर फिर माइनस k स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ x प्लस b बाई 2a
लॉग एक्स प्लस, तो एक्स के स्थान पर हमने ये मान रख दिया, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट और फिर ये दूसरा ब्रैकेट। अब इसको जब सरल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ए बाई टू, लघुत्तम समापवर्ती निकाल देंगे तो टू ए मिल जाएगा, ये मिल गया टू ए और फिर ये टू ए एक्स प्लस बी। फिर इसी प्रकार वर्गमूल के अंदर जो राशि है उसे सरल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्गमूल के अंदर में फोर ए स्क्वायर। और एक काम करते हैं कि इसे सरल कर लेते हैं और वर्गमूल को सिर्फ अंश के अंश में लगाते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 2a, और यहाँ पर मिलेगा 2a x प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac और फिर माइनस साइन के साथ में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और फिर लॉग में ये 2a x प्लस बी हो जाएगा अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2a x प्लस बी का स्क्वायर ये वाला पद, फिर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर ये अपॉन 2a, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, देन ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तन निकाला यहाँ पर इस पद का, इसके अंदर इस पद का, फिर यहाँ पर और फिर आगे इसको हमने सरल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2a है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2a है तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और उभयनिष्ठ निकाल करके आगे सरल करेंगे। तो दूसरी स्थिति में आपको आगे मिल रहा है आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ए अपॉन टू तो था और फिर हमने 4a स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाल लिया तो ये आ जाएगा इंटू 2a x प्लस बी, फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग, लॉग के साथ में हम लिखेंगे ये 2a x प्लस बी, फिर 2 स्क्वायर रूट a और फिर स्क्वायर रूट के अंदर में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और फिर माइनस ऑफ लॉग 2a। अब ये जो लॉग 2a है ये कांस्टेंट है तो हम यह मान करके चलेंगे कि यह समाकल स्थिरांक है, उसे हम छोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू 1 अपॉन 8 a का पावर 3 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट a देन 2a x प्लस b स्क्वायर रूट ओवर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग ऑफ 2a x प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नावली पर, जहां पर प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। यह है स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन आई है इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। वर्गमूल के अंदर दी गई राशि को पूर्ण वर्ग बनाने का हम प्रयास करेंगे और फिर सूत्र की सहायता से उसका समाकलन लिखेंगे।
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनस एक्स यहाँ पर आएगा। देखिए कि ये एक्स माइनस टू ए बी इस फॉर्म में है, तो अगला जो पद होगा वो बी स्क्वायर होगा, और बी यहाँ पर है वन बाई टू, तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर हम ऐड कर रहे हैं और वन बाई फोर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये प्लस वन प्रश्न में जो दिया गया था इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और फिर प्लस वन माइनस वन बाई फोर, तो आपको मिल जाएगा थ्री बाई फोर। तो थ्री बाई फोर को आप लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और फिर ये डी एक्स। अब समाकलन करने के लिए पुनः एक्स माइनस वन बाई टू, इसको आप टी मान सकते हैं, समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये समाकलन, ये प्रतिस्थापन का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, इंटीग्रेशन साइन इसका जगह हम रखेंगे टी, और फिर ये रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, और फिर ये डी एक्स। डी एक्स ना लिख करके हम यहाँ पर डी टी लिखेंगे, क्योंकि हम प्रतिस्थापन यहाँ पर कर चुके हैं। अब देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है ये मूलतः इस सूत्र से सरल होगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके हम सरल करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स के स्थान पर यहाँ पर है टी, तो हम लिखेंगे टी बाई टू, फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यही पद लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाई टू, ये ए स्क्वायर अर्थात यही पद लिखेंगे रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, और ये वन बाई टू, उसके बाद में फिर लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर है टी, तो टी प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, और फिर प्लस सी, जहां पर सी समाकलन नियतांक है। अब टी के स्थान पर हम एक्स माइनस वन बाई टू पुट कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू, और फिर ये अपॉन टू स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर अर्थात एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा थ्री, और इसका स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, फोर और टू मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा एट, इंटू लॉग टी के स्थान पर आप रखेंगे एक्स माइनस वन बाई टू प्लस, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर ये क्वांटिटी है तो आप लिखेंगे एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, और फिर प्लस सी। इसको पूरा सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर, और फिर स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई एट लॉग टू एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि वर्गमूल थ्री माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, इस फलन का समाकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष। तो पहले हम इस फलन को पूर्ण वर्ग के पदों के योग के रूप में लिख लेते हैं। कोशिश हम यह करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यह एक हो, तो यदि आप इसमें से दो उभयनिष्ठ निकाल लें तो यह हमें मिल जाएगा तीन बटे दो ऋण एक्स का वर्ग, और फिर यदि यहाँ से हम स्क्वायर रूट टू को बाहर कर दें, और फिर अगला पद है ये थ्री बाई टू, यहाँ से माइनस को अगर कॉमन लें और इस पद को मैं पहले लिखूँ तो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आगे हमें मिलेगा रूट टू।
फिर स्क्वायर रूट के अंदर में हम लिखेंगे 3/2 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है एक्स। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्लस 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 1/4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है √2। फिर स्क्वायर रूट के अंदर में ये जो टर्म है ये है एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3/2 और माइनस 1/4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7/4। इसी पद को हल करके हमने ये लाया है तो इस पद के स्थान पर हम ये मान रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट 2 फिर स्क्वायर रूट ओवर 7/4, तो हम इसे लिख सकते हैं √7/2 का स्क्वायर और फिर एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और फिर ये dx। चूंकि आपको पता है होता है एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस सूत्र से हम डायरेक्ट तो आई इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर समाकलन मिल रहा है एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 तो ये हम लिख रहे हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर जो पद दिया गया है वो, तो हम इस पद को लिखेंगे स्क्वायर रूट 7/2 का स्क्वायर और फिर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर अर्थात ये वाला पद, तो ये √7/2 का स्क्वायर और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये एक्स प्लस 1/2 अपॉन √7/2 और फिर प्लस सी, तो प्लस सी को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है। इसे आगे और सरल करना है तो आगे हम सरल कर सकते हैं। ये √2 और अंश में आपको मिल जाएगा 2x+1/4 स्क्वायर रूट ओवर 7/4 माइनस 2x+1/2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 7/4 और साइन इनवर्स ये आपको मिल जाएगा 2x+1/√7 और फिर ये प्लस सी। इसके बाद अगर और आप सरल करना चाहें वर्गमूल के अंदर ये जो वर्ग वाला पद है तो आप हल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ तक भी सही है और यही वह मान है जो कि दिए गए फलन का समाकलन है या फिर जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला एक्स स्क्वायर रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 2, इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना। तो माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 2 dx है। अब माना cos x इक्वल टू t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा साइन x dx इक्वल टू dt और ये माइनस साइन को हम उधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा माइनस dt। हम लिखेंगे I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर
कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर, फिर प्लस 2t और फिर प्लस 2, और ये dt, इसे माइनस साइन और फिर आप ये से लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पद है ये हमें टी प्लस 1 का होल स्क्वायर दे जाएगा। तो ये माइनस साइन फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका उपयोग करके हम इसका समाकलन लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू एक्स बाई 2, एक्स के स्थान पर है यहाँ पर t, टी प्लस 1, तो ये टी प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ओवर ये जो पद हमें मिला है तो डायरेक्टली हम लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फिर ए स्क्वायर बाई 2 तो 1 बाई 2 लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर है टी प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिख रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। अब हम टी का मान रख देते हैं, टी का मान कॉस एक्स, तो ये मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 और फिर स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, सो दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2t, दैट इज 2 कॉस एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 और ये प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।